Hey, what's up guys and welcome back to another episode of Pokemon Y. So guys, पिछले episode के अंदर प्रोफेसर कमोन ने हमें बताया था कि यहीं कहीं एक hidden treasure है, लेकिन वो मेरे को कहीं भी नहीं मिला. मैंने ढूंढने का ट्राई किया था, तो इससे अच्छा है कि हम लोग नेक्स्ट सिटी में जाएं. लेकिन नेक्स्ट सिटी में जाने से पहले यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लोगों से बात नहीं करी थी. पावरफुल मूव्स हैव फ्यूअर पीपी विच इज शॉर्ट फॉर पावर पॉइंट. अकम्प्लिश ट्रेनर यूज पीपी अप ऑन सच मूव्स. ऑलराइट, ओके, तो हम लोग जाते हैं अब नेक्स्ट सिटी में, जो जिसका रास्ता है इधर की साइड से. लेट मी टॉक दिस गर्ल. I led my dearest Furfro led by the way on our walk and we came all the way from Cormorant City to here. My feet are killing me. भाई किसने बोला था चल के आओ, साइकिल से आते ना, स्केट से आते. ओके, उधर एक यार बॉल तो है, लेकिन मैं उस बॉल की तरफ जाऊंगा कैसे. ओके, स्काई बैटल इज कंप्लीट. ओके, इधर कुछ है, एक पोके बॉल जो ले नहीं सकता मैं. ओके, आज के मेन एपिसोड में हम ऐसा करते हैं कि सामान को इकट्ठा ही करेंगे हम लोग, जो का देखा जाएगा. ओके, यहाँ पे एक पॉकेबॉल मिल गई. मैक्स रिवाइव, यस, इसकी मेरे को जरूरत थी. मैं जो इन लोगों से ना, मतलब जो बच गए हैं ना बैटल के पीछे, जिन लोगों से ना फाइट नहीं करी है, वो मैं उनसे तब फाइट करूँगा जब हम 8th जिम बैच को कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद मैं जितने भी रिमेनिंग लोग हैं उनसे मैं फाइट करूँगा. चैंप कौन आ गया, कौन है? ओ, हमारी फ्रेंड आ गई है. डू यू नो वॉट अबाउट टू हैपन? नो, वॉट इज दिस? वी आर गोइंग टू बैटल सिली, वी आर पोकेमोन ट्रेनर्स आफ्टर ऑल. ओके, बैटल करने आई है. भाई तेरा भरोसा नहीं होता ना, क्या करें. कभी तो अच्छी न्यूज लेके आती है, कभी तो बैड न्यूज लेके आती है. डेलिकेटी चारिजार्ड, जाओ मेरे को, मेरे बड़ी भाई. ब्रिज पे लड़ाई करने लग गए. अगर अभी ब्रिज टूट गया तो कौन भरपाई करेगा इसकी? हम तो न हो जाएंगे पानी के अंदर, तो कुछ होना नहीं है. सिली फैलो. ओके, देखते हैं कि इसने कितनी प्रोग्रेस करी है आखिरकार बैटल्स में. ज्यादा खास कुछ करा है नहीं इस तरह से. पेंट अटैक कुछ हुआ नहीं. ओके, लेट्स ट्राई फायर स्पिन. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. अब मैं एम्यूरा का यूज करूंगा. एम्यूरा गुड्रा, एक ड्रैगन पोकेमॉन, स्विच पोकेमॉन. ड्रैगन के अगेंस्ट वीक होता है, तो मैं गार्चॉम को यूज करूंगा. भले मेरा गार्चॉम भी जाए, कोई बात नहीं. लेकिन यार उसने गुड्रा पकड़ लिया. गुड्रा भाई साहब, इसने वहीं से गुड्रा पकड़ा होगा, गूमी को, जहां पे हम लोग हॉन्टेड हाउस में थे ना, वहीं से इसने पकड़ा होगा. आई एम डैम श्योर, क्योंकि वहीं पे गूमी मिल जाते. लो भाई जाओ, बाय बाय. सूडो लेजेंडरी वर्सेस सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन. गुड्रा गया काम से. ओके, नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा चूज करने वाली है? डल फॉक्स. ओके, समझ गया मैं. स्विच पोकेमॉन ग्रेनिंजा. काश या ग्रेनिंजा हमारा बॉन्ड इवॉल्व हो सकता, तो कितने मजे आते गेम के अंदर, सही में बहुत मजे आते. ऑलराइट, अभी 58 का हो जाएगा, अभी 58 का हो जाएगा हमारा बॉडी. ओके, सर्फ यूज कर दें. अब हम यहाँ से सीधे डायरेक्ट जाएंगे जिम लीडर के पास फाइट करने के लिए, सीधा उसके पास. मैं और टाइम वेस्ट नहीं करने वाला यहाँ पे. जैसे में जिम मिलेगा हम लोग जिम जाएंगे, फाइट करेंगे, खेल खत्म. ओके, इस बार भी यूज करूंगा वाटर शुरिकेन. वैसे हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाई है इसने, हमारे एक भी पोकेमॉन को डिफीट नहीं किया, सही में एक भी. पता नहीं किस खेत की मूली खाते हैं ये लोग, किस खेत की. अपने पोकेमॉन को सही से ट्रेन ही नहीं कर पाते ये लोग. ओके, लेवल 58, बहुत ही बढ़िया. और कुछ, और कुछ तो है नहीं इनके पास. हाँ, बहुत बढ़िया.
That reminds me out of battle in Aqua Core Town, जो भी town है. That was the first time for both of us battle with our Pokemon. Hello champ, it's Shauna. Hi Shauna. क्या? ये भी आ गया तू? What are you two up to? Nothing big. How about you guys? Why the same things as you, Shauna? We heard about champ from the professor and we came running as fast as we could. बात क्या हुई champ? Can we have a Pokemon battle? Oh, you sorry to just throw that at you. अरे यार मैं सोच रहा यहाँ से निकलूं और ये लोग मुझसे बैटल किए जा रहे हैं. टैलेंट फ्लेम. कोई बात नहीं, अपने पास ग्रीनिंजा है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं. मेरे को एम्यूरा का भी यूज़ करना चाहिए लेकिन वो सही टाइम पे यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि जाते बैटल से वो हार ही जाता है. सही में एरोबैटिक्स. कोई बात नहीं, क्या उखाड़ लिया एरोबैटिक्स मेरा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा. ओके लेट्स ट्राई सर्फ. सर्फ तो गया काम से ही. अगर मैं ना कैलो सीजन में फ्लाइंग टाइप बेस्ट पोकेमॉन की बात करूँ ना तो मेरे अकॉर्डिंग टैलेंट फ्लेम बढ़िया पोकेमॉन है एक फ्लाइंग में. सही बता रहा मैं. और हलूचा भी अच्छा पोकेमॉन है लेकिन उसको मैं ऐसा कंसीडर फाइटिंग टाइप में करूँगा ना कि फ्लाइंग में, क्योंकि ज़्यादा उड़ता तो है नहीं वो. रोज रेड एक ग्रास स्विच पोकेमॉन. कौन सा यूज? हाँ लुकारियो को यूज़ करता हूँ इस बार. लुकारियो को कब से यूज़ किया नहीं मैंने. मेरे ख्याल से ट्रीनो भी फाइट करेगा हमसे जहाँ तक मेरे को लग रहा है. वैसे मेरे को चार हजार को यूज़ करना चाहिए था लेकिन मैंने छोड़ो यार क्यों यूज़ करना. मेगा वॉल करते हैं और स्पीयर यूज़ करते हैं. मेगा वॉल होने के बाद ना पोकेमॉन का स्वैग ही अलग होता है. सही बता रहा मैं. ऑलराइट मेगा वॉल हो गया हमारा. लुकारियो. वैसे एक बात देखो कि मेगा वॉल्यूशन और डायनामिक्स पोकेमॉन में क्या डिफरेंस है. दोनों सेम ही है, दोनों में पोकेमॉन का साइज बड़ा हो जाता है. भले जेंटामैक्स में बड़ा साइज होता है लेकिन एक तरीके से बड़ा साइज तो होता ही है ना. उनके एक तरीके का डिफरेंट इवोल्यूशन फॉर्म हो गया वो एक तरीके का है ना. ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं. और जेंटामैक्स कमेंट डाउन लो कि तुम्हें मेगा वॉल्यूशन पसंद है या जेंटामैक्स. मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरे को मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन ज़्यादा पसंद है ना कि जेंटामैक्स. भले दिखने में कूल है लेकिन मेगा एवोल्यूशन की बात ही अलग है. सही में ये लो भाई, अब लो और स्पीयर और जाओ यहाँ से. पहली फुर्सत में निकलो, पहली फुर्सत में. ओके गया काम से ये. रोज रेड 2436. ओ भाई साहब इतना एक्सपीरियंस. क्या ये हम अपने दोस्तों से फाइट करने में ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, इस बात को मैं नोटिस किया हुआ है. क्रोडोंट एक वाटर पोकेमॉन ना. ये लो भाई ग्रास नॉट और निकलो यहाँ से. ये अच्छी बात हुई कि मैंने ग्रास नॉट सिखा दिया था अपने ग्रीनिंजा को. ओ भाई साहब बढ़िया मूव था, बढ़िया मूव. स्वॉट डांस. इसका अटैक रोज हो जाएंगे ना, अटैक पावर इंक्रीज. हाँ जी यही बात थी. ओके ग्रास नॉट और बाय बाय. मेरे ख्याल से तीसरा जो फ्रेंड हमारा वो भी हमसे बैटल करने वाला है. पेंटिंग बहुत बढ़िया, बहुत कम एक्सपीरियंस यार. ओके अगर हमको एडवांटेज होता है पोकेमॉन के आगे तो हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, और अगर हमें एडवांटेज नहीं होता तो हमें कम एक्सपीरियंस मिलेगा. ये फन है गेम का. वाह ट्रेनी आस्किंग समवन टू बैटल, व्हाट्स अप विद दैट गॉर्जियस टाउन मेड मी थिंक. आई इफ चैम्प हैडन्ट बीन देयर आई वुडन्ट बी डांसिंग नाउ, दैट्स फॉर श्योर. दैट मेड मी वॉन्ट टू गेट टू नो चैम्प बैटल एंड आई थॉट अ बैटल वुड बी बेस्ट वे टू डू दैट. इट्स किंड शेल्फिश ऑफ मी आई गेस बट ऑल्सो अ वे ऑफ थैंकिंग हिम. अब ये बैटल करेगा क्या ट्रिनो?
It's great when Pokemon trainer like us can understand the heart and mind of other trainers and their Pokemon do battle. But before we do anything else, we should heal your Pokemon. Yeah, मेरे भी Pokemon heal कर दो. Oh, सुन ली क्या इसने? Yes, सुन ली इसने मेरी बात. बंदा बहुत ही बढ़िया है. But this time I won't be about the Pokédex. It will be Pokemon battle. अबे यार कितने Pokemon battle करेंगे इन लोगों ने time waste पूरा कर दिया Pokemon battles के अंदर. सही में. Raichu. Okay, Raichu आ गया है ना. क्या करूँ यार मैं. Fly use करता हूँ. यार Raichu कितना बड़े लग रहा है इसमें सही में. Pikachu. ये मेरा पूरा एपिसोड जाने वाला है पोकेमोन बैटल्स के अंदर. 20 मिनट हो गए हैं और 20 मिनट से पोकेमोन बैटल ही करे जा रहा हूँ और कोई काम ही नहीं मेरे पास इसके अंदर. लेकिन यहाँ पे दोस्तों से फाइट करना एक अच्छी बात है. पता लगता है कौन कितना ताकतवर है, किसके पास क्या पोकेमोन है. और एक बात ये कि हमारे पोकेमोन्स की लेवल अप हो रही है गाइस, क्योंकि हम लोग जीत रहे हैं. ओए पागल ले. आई थिंक मेरे को पोकेमोन चेंज कर लेना ही चाहिए. क्या यूज करूँ मैं. एम्यूरा शायद से मैंने गलती तो नहीं करती एम्यूरा भी यूज करके. कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा. देखो इलेक्ट्रिक टाइप मूव ग्राउंड टाइप पे असर नहीं करते ना. ये क्या बात हुई यार. ओके लेट्स ट्राई रॉक टॉम. व्हाट द पागल है क्या ये. देखा गाइस, इसलिए मैं एम्यूरा का यूज नहीं करता. इसको जब भी बैटल में लाओ काम तमाम करके रख देता है. इसका कोई फायदा है ही नहीं. तुम लोगों कहने वाले एम्यूरा को लाया था मैं. ड्रैगन क्लॉ मार रहा मैं, जो का देखा जाएगा. निकल पाई नहीं फुर्सत में. अब मैं जाऊंगा सीधा. वेट अ सेकेंड गाइस. एक चीज़ भूल रहा हूँ. हमारे दो पोकेमोन थे वो अभी तक ट्रेनिंग सेंटर में हैं. तुम्हें याद हो मैं दो पोकेमोन्स को ट्रेनिंग पे डाला हुआ था जो कि ट्रेन हो चुके होंगे. मेरे को चेक करना पड़ेगा कि वो आखिर थे कहाँ. वो चेक करके आएंगे उनको भी. अब एक गाइस ये सोचो कि हम ये ब्रिज पे गार्ड चौक डिग मूव कैसे कर सकता है. अगर ये डिग मूव करेगा तो ब्रिज टूट जाएगा. ये पॉसिबल ही नहीं है कि ब्रिज पे गार्चॉम डिग यूज कर सके. लेकिन पोकेमोन गेम में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. अगर मैं पानी के ऊपर इसको डिग करने के लिए बोलूंगा ना, ये पानी के अंदर भी डिग यूज करेगा. और सोचो अबे ये क्या था. चलो जो का देखा जाएगा. करंट यूज करते हैं. मेरा गार्चॉम गया इस बार. मैंने गलत मूव चूज कर लिया. शिट बहुत गंदा हुआ. मून ब्लास्ट. मेरा गार्चॉम भी गया काम से. गार्चॉम गया काम से मेरा. ओ शिट. ओके लेट्स ट्राई लूकारियो. क्लोज कॉम्बैट ट्राई करते हैं. क्लोज कॉम्बैट. ओके फाइनली हार तो गया ये. टू 709 एक्सपीरियंस. मेरे को तो याद भी नहीं. मैंने अपने डे केयर सेंटर में दो पोकेमोन डाले थे. मैंने एक तो मैंने पांडा वाला पोकेमोन डाला था मैंने, और एक पोकेमोन और था. मेरे को याद नहीं आ रहा वो कौन से टाइप का पोकेमोन था. इट्स टाइम टू मेक इवॉल्व एंड यूज पावर पंच. ऐसा करते हैं, इस बैटल के अंदर तो हम लोग जिम लीडर से फाइट कर नहीं पाएंगे, तो इस बैटल के बाद मैं जाऊंगा डे केयर सेंटर और वहां पे
पोकेमॉन्स को चेक करके आऊंगा कि वो मेरे पोकेमॉन आखिरकार कितनी लेवल के हो चुके हैं। चेक करना पड़ेगा गाइस, चेक करना पड़ेगा। ओ कंफ्यूज कर दिया इसने मेरे को। बैटलफील्ड, अच्छा जो बैटलफील्ड में बना हुआ था वो डिसअपीयर हो गया। क्लोज कॉम्बैट, प्लीज रुकारियो मूव यूज कर ले। अरे यार ये अपने कंफ्यूजन में ही मारे जाएगा भाई। कंफ्यूजन में इतना हर्ट कहां से होता है? स्काई ड्रॉप, ओके हम भाई ये क्या मस्त मूव है। और स्पीयर मारूंगा मैं, स्काई ड्रॉप भाई ये खतरनाक 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 मूव है। और स्पीयर यार क्यों 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 क्यों। यस अब तो गया एयर स्किल। यस फाइनली गया। पेंचम था शायद से, मैं डेकर सेंटर में शायद से पेंचम को दिया था। पेंचम को हाँ यस याद आ गया मेरे को, याद आ गया फाइनली। मैंने कौन सा वो दिया था उसको, दो पोकेमॉन कौन कौन से दिए थे मैंने। यस फाइनली ओके अब क्या करोगे तुम लोग। देर इज स्टिल सो मच आई डोंट नो, डू आई जस्ट नॉट हैव व्हाट इट टेक्स। वाओ आई डोंट थिंक आई एवर हियर्ड यू वरी अबाउट बीइंग वीक और स्ट्रांग बिफोर ट्रेवियर। यू मस्ट सीम अ लॉट बोल्डर देन यू यूज्ड टू बी। इट इज बिकॉज यू वेंट ऑन अ जर्नी और मे बी इट थैंक्स टू व्हाट यू लर्न फ्रॉम बीइंग विद योर पोकेमॉन एंड विद अस योर फ्रेंड्स। और कुछ बोलना चाहते हो? स्पीकिंग ऑफ विच वेयर इज सरीना? She's off training with the Mega Evolution Guru. She said friends are friends even if they can't be together. Indeed, well there's something we must attend to be seeing you. Bye, niklo tum niklo. Jao jaldi. Meet a lot of nice people and make many wonderful memories. Champ, this is for us. Oh yes! Waterfall! Finally guys, humko ek last HM mil chuka hai. Even if battling without the badge from Snowbell City Gym, you can use Waterfall. I will gotta get going see you. Alright guys, तो हमें finally Waterfall मिल चुका है. Okay, तो फटाफट चलते हैं next city में. Next city यहीं से है ना? Yes, यहीं से है next city. ऑलराइट गाइस, तो हम लोग इस सिटी में आ चुके हैं जहाँ पे हमें मिलेगा एक और जिम लीडर जो कि आईसी पोकेमॉन यूज करता है और जिम ये रहा। लेकिन मैं जिम लीडर से फाइट करूंगा नेक्स्ट सिटी में। अभी फिलहाल मेरे को जाना है अपने पोकेमॉन्स को वापस लेने के लिए क्योंकि मैं अपने पोकेमॉन्स को डे केयर में सेंटर में छोड़ के भूल ही गया हूँ। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ जहाँ मेरे पोकेमॉन्स मैंने अपने वो लेवल अप करने के लिए दिए थे। तो अपने पोकेमॉन्स को वापस लेने के लिए मेरे को सबसे पहले अपनी स्पेस खाली करनी पड़ेगी। एट अ देयर यू आर, ओके इधर बात कर रही है। समटाइम्स अ पोकेमॉन दैट हैचेस फ्रॉम एग नोज द सेम मूव एज द पोकेमॉन यू लेफ्ट एट अ डे केयर सेंटर। क्या मेरे को मेरे पोकेमॉन वापस चाहिए? आह देयर यू आर, माई हस्बैंड वॉज लुकिंग फॉर यू। भाई किधर, बाहर है क्या वो? ये तो नहीं। ए इट्स यू, वी वर रेजिंग अ पोकेमॉन एंड माई गुडनेस वी वर सो सरप्राइज। योर पोकेमॉन वॉज होल्डिंग इन एग, we don't know how it got there but you know had it, you know you do want it don't you? Yes chahiye mereko, okay mereko day care man se egg mil gaya kya? Please take good care of it. Aur kuch? Glad you came, your pansage and pancham are doing just fine, you two don't really seem like to like each other very much. Bhai mereko pokemon chahiye apne, mereko mere pokemon wapas do. ओके वी कैन रेस पोकेमॉन फॉर टू, व्हाट डू यू वांट टू टुडे? टेक बैक। ऑलराइट पेंचम हमारे पेंसेस लेवल 35 एंड पेंचम पर लेवल 34। ओके पेंसेस लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ओके टॉर्मेंट फ्लिंग एरोबैटिक्स ग्रास नॉट, अरे भाई साहब मेरा पेंसेस कतई जहर बनते जा रहा है गाइस, सही में जहर। ऑलराइट गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई नो गाइस ये एपिसोड इतना ज़्यादा खास नहीं था लेकिन यार मेरे को एपिसोड में बनाने बहुत मज़ा आया, स्पेशली जब मैंने अपने फ्रेंड्स से फाइट करी
तो भाई मेरे को पता लग गया उनके पास कौन कौन से पोकेबॉल हैं और वो लोग मेरे लिए आगे प्रॉब्लम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास भी काफ़ी अच्छे पोकेबॉल हैं, तो फाइट तो मैं कर सकता हूँ उनसे आगे। तो गाइस अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। तो गाइस मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।